सदर आरिफ अलवी ने तमाम हुकूमती और सियासी जमातों से अपील की है कि सियासत को रोककर सैलाब ज़दगान की मदद पर तवज्जो दें। सीनियर सहाफियों से मुलाकात में सदर ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स कारोबारी इदारों सिविल सोसाइटी और इंसानी तंजीमों को मुतहरिक करने के लिए मुहिम चलाएं। मजीद कहा कि सिविल और फौजी इंतजामिया सैलाब ज़दगान को बचाने, उनकी बहाली और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नो के मदद फराहम करे। सदर मुमलिकत का कहना था कि ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियों के ज्यादा जिम्मेदार तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। इन्हें तबाहशुदा मौसमियाती और मवासलाती निजाम, मकानात, मवेशियों और फसलों का मुआवजा अदा करना चाहिए। सदर आरिफ अलवी ने तमाम हुकूमती और सियासी जमातों से अपील की है कि सियासत को रोककर सैलाब ज़दगान की मदद पर तवज्जो दें। सीनियर सहाफियों से मुलाकात में सदर ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स कारोबारी इदारों सिविल सोसाइटी और इंसानी तंजीमों को मुतहरिक करने के लिए मुहिम चलाएं। मजीद कहा कि सिविल और फौजी इंतजामिया सैलाब ज़दगान को बचाने, उनकी बहाली और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नो के मदद फराहम करे। सदर मुमलिकत का कहना था कि ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियों के ज्यादा जिम्मेदार तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। इन्हें तबाहशुदा मौसमियाती और मवासलाती निजाम, मकानात, मवेशियों और फसलों का मुआवजा अदा करना चाहिए।